दलित महिला के साथ मारपीट, जान से मारने की दी धमकी, बाजना पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने दिए कार्रवाई के निर्देश, जन चौपाल में दिया ज्ञापन। खेत को जबरन जोतने एवं मना करने पर महिला की लात, घूसो एवं लाठियों से मारपीट। ग्राम बाजना जिला छतरपुर की रति बाई पत्नी परम अहिरवार ने जन चौपाल में दिए आवेदन में कुछ लोगों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। रतिबाई अहिरवार ने जन चौपाल में बतलाया कि वह एक कृषक महिला है, उसकी किसी भूमि खसरा नंबर 317 एवं 318 जिसका रकबा 0.599 हेक्टेयर एवं 0.506 हेक्टेयर है। ये भूमि आवेदिका के नाम से है। इस पर अदालत में प्रकरण भी लंबित है जिसमें 25 जुलाई को उक्त मामले की पेशी है। कहाँ की देवे वाली है? बाजना। कहाँ होगा आपके साथ? हमारे साथ लोग मारपीट करी, हमारे पट्टे बंदी जगह भी छुड़ा रहे हैं। वो जोत है हमने रोकी कि हमारे खेत में बीज ने बस हुए। हमें दोनों चूरा मोहन ने और भरोसी ने मारपीट करी। चार जन अन्य वही में संग अनिल है, उनको लड़का ट्रैक्टर चलाओ। थाने गए तो टीआई साहब बोल रहे थे कि जहाँ सुनाओ ने हो जहाँ सुनाओ, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लेने। आज कहाँ आएंगे? आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। वो है तो एसपी साहब लोग क्या कहा है? अब उनने रिपोर्ट भी ले ली है, पावती भी दी है। ये तय भी करते हम है। और कौन कौन है आपके परिवार? उक्त भूमि पर सूरा अहिरवार एवं मोहन अहिरवार ट्रैक्टर लेकर जुताई कर रहे थे। जैसे ही उक्त बात का मुझे पता चला तो मैं मौके पर पहुंचा और वहां पर मोहन भरोसी, कमला अच्छे अहिरवार एवं अनिल को जुताई करने से रोका तो उन्होंने मुझे अश्लील गालियां दी, साथ ही मेरे साथ लाठी डंडे, लातों एवं घूसों से गंभीर मारपीट की गई, जिसमें मेरे दाएं हाथ पे चोट आई है, साथ ही शरीर में अन्य स्थानों पर भी चोट है। इस घटना के दौरान मौके पर रामकिशोर प्रजापति, भगत राम सेन एवं कल्लू अहिरवार बजाना वाले आ गए, जिन्होंने बीच बचाव कर मुझे बचाया। आरोपी मुझे जान से मारने की भी धमकी देकर गए। घटना की रिपोर्ट बजाना थाने में करने पर कहा कि जहां सुनाना हो तो सुना दो, कुछ भी नहीं हो सकता। आवेदिका ने आरोपी गणों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने एवं उसे सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट।